एसएससी के निर्देशन में लुटेरों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना भूता पुलिस ने प्रीति पेट्रोल पंप से 12,000 रुपए का डीजल और 20,000 रुपए की नकदी की लूट करने वाले 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए अभियुक्तों के पास से 10,000 रुपए नकद, घटना में शामिल स्विफ्ट डिजायर गाड़ी, तमंचे, कारतूस, चाकू और खाली कैन बरामद की है। घटना का अनावरण करते हुए सीओ गौरव कुमार ने बताया कि थाना भूता उप निरीक्षक रविंद्र सिंह राणा हमराही पुलिस बल के साथ गश्त कर रहे थे। तो मुखबिर की सूचना पर 14 अगस्त को प्रीति पेट्रोल पंप पर लूट करने वाले अभियुक्त रंजीत पुत्र कस्तूरी निवासी अब्दुल्लापुर माफी थाना इज्जत नगर, शिवम पुत्र बीरपाल निवासी अदलखिया थाना इज्जत नगर, दिव्यांशु पटेल पुत्र नानक चंद रूपापुर बड़ापुरा थाना इज्जत नगर, निर्दोष पुत्र भगवान दास ग्राम डांडिया थाना इज्जत नगर को गिरफ्तार किया। ये दिनांक 14 अगस्त 2022 को प्रीत फिलिंग स्टेशन पे कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा जो है स्विफ्ट गाड़ी में जो 12,000 रुपए का तेल भरा के और सेल्समैन से 20,000 रुपए की लूट करने की घटना कारित की गई थी। इसके संबंध में थाना भूता पुलिस और सर्विलांस एसओजी टीम के सहयोग से 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इनके द्वारा थाना फरीदपुर में 2 घटनाएं और थाना बिथरी चैनपुर में इसी तरह की घटनाएं घटित करने की बात स्वीकार की गई है। इनके पास से जो घटना में प्रयोग की गई स्विफ्ट कार वो बरामद की गई है, 10,000 रुपये नकद वो बरामद किए गए हैं। इसके अतिरिक्त 3 तमंचे और 6 कारतूस ये इनके पास से बरामद किया गया। इसके अतिरिक्त 50-50 लीटर के 2 कैन इनके पास से बरामद किए गए हैं। अभी तक तो इन्होंने ये बताया कि जो अपने खर्चे के लिए इसी के लिए इन्होंने जो है ये घटनाएं अभी तक अंजाम दी हैं और बेचने की बात इन्होंने अभी तो नहीं बताई, लेकिन ये बता रहे हैं कि जो हम भरवा के इसको जो है अपना जब ख़त्म हो जाता तो अपनी गाड़ी में डलवा के इसको हम कंज्यूम करते थे। चारों आरोपी स्टूडेंट हैं तो जी बताए कि कैसे प्लान है कि लाइफ में इस टाइप से काम ये चारों आसपास थाना इज्जत नगर के जो रहने वाले हैं आपस में एक दूसरे के जानने 3-4 साल से इनकी जान पहचान है, इसी तरह से ये लोग एक दूसरे को जानते हैं। अब देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।